आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल टेस्ट के डिब्बे। तो देखिए आज बनाने जा रहे ये सैंडविच, ये बहुत ही कम टाइम में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए आप एक बार ज़रूर बनाइए। सबसे पहले यहाँ एक कटोरी दही को रख दिया है, आधे घंटे पहले कपड़े में या कोई भी छन्नी के ऊपर दही को रख दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी होएगा वो निकल जाएगा और एकदम गाढ़ा दही चाहिए। यहाँ एक बड़े चम्मच मैंने शहद डाला है, शहद और दही को अच्छे से फेंट लिया। इस तरीके से दो मिनट इसको फेंट लेना है, एक क्रीम जैसी बना लेनी है। यहाँ सब्जियाँ डाल देते हैं, सब्जियाँ जो भी आपको पसंद है वो सब्जियाँ आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ शिमला मिर्ची डाली है, प्याज डाला है, पत्ता गोभी, गाजर। यहाँ थोड़े से मसाले डाल देते, चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो पाउडर डाला है, और इसमें डाल देते थोड़ी सी चाट मसाला और तो एक चुटकी काला नमक, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है काली मिर्च पाउडर, या 5-7 काली मिर्ची को कूट के उस तरीके से डाल दीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लिए, अभी नमक नहीं डाला है। नमक थोड़ी सी मिक्स करके बाद में डालना है बनाते समय, क्योंकि नमक डालते ही पानी छोड़ देता है। यहाँ मैंने नमक डाल दिया, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। हरी चटनी बनाइए, हरी चटनी का आपको वीडियो देखना है तो मैंने खूब सारे डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, या और भी बना के डाल देते आप कमेंट कीजिए। ब्रेड को साइड से कट कर लिए और ब्राउन ब्रेड लिए मैंने, ब्राउन ब्रेड हेल्दी भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। तो ये देखिए चटनी लगा के, पहले घी लगाया था, आप बटर भी लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं, मैंने घी लगाया। हरी चटनी लगा के अच्छे से फिल कर लेते। तो इस तरीके से इसको ना कोई बेक करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होते हैं। तो बच्चों को सप्ताह में एक बार ज़रूर बना के दीजिए और बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आएगा। और आप ये सैंडविच कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी एक कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।